नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। एमपी में अब चुनावों का रंग दिखने लगा है। सागर जिले की सुर्खी सीट पर करोड़ों रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन करने आए सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी ने खूब एक दूसरे की तारीफ की। वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जमकर कोसा। काफी नाटकीय अंदाज में दोनों नेता दिखे। सीएम शिवराज ने कमलनाथ की शादी से तुलना करते हुए कहा कि कुछ इस तरह हुआ कि लड़का कोई और दिखाया, घोड़े पर कोई दूसरा बैठा, शहनाई किसी और की बजी और शादी किसी और से हुई। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों की परेशानी को लेकर कहा कि मैंने कई दफा कहा कि कमलनाथ जी निकलिए, मिल लो किसानों से, लेकिन मिलने के बजाय बैठे रहे। फिर शिवराज ने गाना भी गाया कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत में नजर न लगे। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गद्दारी के आरोपों पर कहा कि गद्दार मैं नहीं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं, जिन्होंने प्रदेश के विकास और किसानों के साथ गद्दारी की, उनके साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि दरअसल किसानों में बड़े भाई छोटे भाई यानी कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी चल रही है, जिसे मुखोटा कोई और दूसरा उसके पीछे खड़ा है, जिन्होंने ट्रांसफर उद्योग चलाया, जनता की सेवा करने की बजाय व्यापार किया। आप सबके हम सबके बीच आज ये लोग कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है, आज ये लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान नालायक है, तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कहा था कि किसान तुरंत बता देंगे गोविंद, हम कमलनाथ थोड़ी भाई, लेकिन अपनी अक्कल सैली बुंदेलखंड की काय बड्डे